नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे रेस्पी कैड कफ सिरप का। ये कफ सिरप ये ड्राई कफ और वेट कफ दोनों कप में यूज़ होता है, और इसमें कौन सी दवाइयाँ किस तरह से काम करता है, और इसका क्या साइड इफेक्ट है, और क्या डोज है, और क्या ये प्रेगनेंसी में यूज़ हो सकता है क्या नहीं, ठीक है, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम वीडियो चालू करते हैं। इससे पहले देख ले कि अगर आपको सर्दी या खांसी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, वेपोराइज़र या फिर नेबुलाइज़र या फिर कोविड टेस्ट किट चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ठीक है, वो देख लेना। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये रेस्पी कैड सिरप 100 ml का पैक है, और ये हिल्टन कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। इसकी प्राइस है 90 रुपये, और इसमें जो दवाइयाँ है वो तीन है, डेक्स्ट्रोमिथोरफान, एम्ब्रोक्सोल और गुआफेनेस्टीन। ठीक है, तो डेक्स्ट्रोमिथोरफान ड्राई कफ के लिए यूज़ होता है। जब भी हमें कफ नहीं होता फिर भी खांसी आती है तब उसे ड्राई कफ कहते हैं, और ड्राई कफ को ये जो डेक्स्ट्रोमिथोरफान है वो हमारे ब्रेन में जो कफ सेंटर रहता है उसे सप्रेस कर देता है, और उसकी वजह से कफ का प्रोडक्शन गले में नहीं होता है, स्टॉप हो जाता है, और हमें जो खांसी आती है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और जो दूसरी दवाई है वो है एम्ब्रोक्सोल, वो वेट कफ में यूज़ होता है, यानी कि जब हम कफ की वजह से खांसी आती है, हमें खांसी भी आती है और गले में कफ भी रहता है, तब उस कफ को बाहर निकालने के लिए यूज़ होता है एम्ब्रोक्सोल। वो एक एक्सपेक्टोरेंट है, और वो दवाई हमारा जो गाढ़ा कफ होता है उसे ब्रेकडाउन कर देता है और उसे पानी जैसा बना देता है, और फिर आसानी से मुंह में से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और तीसरी दवाई है वो सेट्रीजिन, वो हमें आँखों में से पानी निकलता है या फिर नाक में से पानी निकलता है, वाटर आइज हो जाती है उससे, और सर्दी से स्नीजिंग होती है, उस सिम्टम्स को ये क्लियर करता है, क्योंकि वो एक एंटी एलर्जिक ड्रग है, और वो हमें हिस्टामिन की वजह से जब वाटरी आइज होती है या फिर नाक में से पानी निकलता है उसे बंद कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये दवाई सर्दी और खांसी, ड्राई कफ और वेट कफ दोनों में यूज़ होता है ये सिरप। अब हम इसके डोज की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो 10 साल से ऊपर के लोग हैं उसको 10 ml तीनों टाइम खाने के बाद देना है, 6 से 10 साल से लड़के हैं उसको 5 ml तीनों टाइम खाने के बाद देना है, और जो 2 साल से 6 साल के लड़के हैं उसको 2.5 ml तीनों टाइम खाने के बाद देना है। ठीक है, तो ये 2 ईयर्स चिल्ड्रन या फिर 4 ईयर्स चिल्ड्रन सबके लिए यूज़ हो सकता है, और प्रेगनेंसी में भी इसे यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल सेफ़ है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से नोज़िया, वोमिटिंग या फिर हेडेक हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख कम लगता है। ठीक है, ये कुछ इसके माइनर से साइड इफेक्ट है। अब दोस्तों ये था रिव्यू रेस्पी कैड सिरप का। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आप नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।